हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें पीसीओडी है, आप हमें कोई दवा बता दीजिए ताकि पीसीओडी बहुत आसानी से खत्म हो जाए। पीसीओडी एक कंडीशन है जो आपकी बॉडी में डेवलप हो जाती है बिकॉज ऑफ पुअर, बुरी खान पान की आदतें और बुरी रहन सहन की आदतों की वजह से, और वो भी लंबे समय तक। आज की वीडियो में हम कुछ मेडिसिन को जानेंगे जो कि पीसीओडी के लिए रामबाण। नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं अपनी जिंदगी में और आगे बढ़ रहे हैं। हमारे वीडियो आपकी मदद के लिए हैं। पीसीओडी को ठीक करने के लिए कुछ मेडिसिन आपके लिए बहुत अमेजिंग सपोर्ट दे सकती हैं। वो मेडिसिन कौन सी हैं, कहाँ से लेनी है, कितने समय तक लेनी है, सारी बातें हम आज की वीडियो में समझेंगे। और उस मेडिसिन को आपको लेना क्यों है ये भी मैं आपको समझाना चाहूँगी, क्योंकि कुछ भी दवा अगर आप लेना चाहते हैं या लेना शुरू कर रहे हैं तो पहले जान लें कि वो क्यों है, वो क्या से बना है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो आपको क्या लाभ पहुँचा सकती हैं। ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जो आज आपको मैं एक्सप्लेन करूँ। पीसीओडी हॉर्मोन की वजह से होता है, हॉर्मोन्स पर्याप्त नहीं बन पाते हैं इस वजह से होता है। ऐसे में एग ओवेरीज के अंदर छोटे छोटे बन के डिपॉजिट हो जाते हैं और पॉलीसिस्टिक ओवेरीज हो जाती हैं, बिल्कुल सिस्ट जैसे छोटे छोटे एग जमा हो जाते हैं। ओवुलेशन होता ही नहीं है तो प्रेगनेंसी कैसे होगी। ऐसे में जब आप पीसीओडी के लिए कुछ नेचुरल सप्लीमेंट्स, जिनको कि आप दवा कहते हैं, लेंगे तो एग की क्वालिटी इंप्रूव होगी, हॉर्मोन्स ठीक से बनने लगेंगे और एग रिलीज होंगे। कई बार चांसेस होते हैं कि पीसीओडी में ट्विन प्रेगनेंसी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे एग जमा होते हैं ओवेरीज में और सपोज दो एग एक साथ मैच्योर हो जाते हैं तो ट्विन प्रेगनेंसी के भी चांसेस होते हैं। तो ऐसे में कौन सी दवाएं, सबसे पहले उन तत्वों को समझ लेते हैं, उसके अलावा जानेंगे कि आपको कहां से कैसे परचेस करना है। सबसे पहली चीज है पीसीओडी को ठीक करने के लिए इनोसिटॉल। इनोसिटॉल बहुत ज्यादा जरूरी है आपके एग की क्वालिटी को ठीक करने के लिए। इनोसिटॉल कोई नई चीज नहीं है, ये बी विटामिन ही है, इसको B8 कहते हैं। विटामिन डी और कैल्शियम भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पीसीओडी की कंडीशन में एस्ट्रोजन हार्मोन अगर डिस्टर्ब है, ठीक से नहीं बन रहा है, तो बोन्स आपकी हड्डियों पर भी असर होता है। पीसीओडी पेशेंट्स को आप देखें कई बार कमर में दर्द, पैरों में दर्द की कंप्लेन करते हैं, तो विटामिन डी और कैल्शियम का स्तर भी अच्छा नहीं होता, इसलिए कैल्शियम और विटामिन डी भी लेना चाहिए। जिंक यूट्रस को प्रिपेयर करता है और फर्टिलाइजेशन के लिए इन्वायरमेंट प्रिपेयर करता है। एग और स्पर्म को फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार करती है, जिंक जरूरी है। क्रोमियम जो है, जो शुगर का मेटाबॉलिज्म है, उसको इम्प्रूव करता है आपकी बॉडी में, इसलिए क्रोमियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा अदर बी विटामिन्स जैसे कि फॉलिक एसिड है, प्रोबायोटिक्स जो कि गट को अच्छा बनाते हैं, गट हेल्थ अच्छी करते हैं, जिससे कि आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है। ओमेगा 3 जो कि एग की क्वालिटी को बेहतरीन बनाता है और बॉडी में मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है। साथ में मैग्नीशियम आदि चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये कुछ खास तत्व हैं जिनकी ज़रूरत होती है आपको पीसीओडी की कंडीशन को ठीक करने के लिए, अदर देन योर डाइट। खान पान के अलावा इनकी एक्स्ट्रा नीड होती है, खान पान से हमें सारी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल। इनको लेने से आपको क्या फ़ायदा होगा, क्यों लें, मैं ये मेडिसिन क्यों लूँ, ये सवाल आपकी तरफ से बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले कि पीसीओडी में वज़न बढ़ने की प्रॉब्लम 60% पीसीओडी पेशेंट्स को होती है, क्योंकि पीसीओडी चार तरह की होती है। एक और सबसे ज़्यादा पीसीओडी पेशेंट्स में देखा गया कि वेट गेन बहुत तेज़ी से होता है और उसको कम करना उनके लिए बहुत बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इन सच कंडीशन आपको मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना है, तो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं ये सारे सप्लीमेंट्स। आपका शुगर कंट्रोल करते हैं, आपकी क्रेविंग्स जो आती हैं पीसीओडी में उसको कंट्रोल करते हैं, बोन्स को मजबूत बनाते हैं, कैल्शियम, विटामिन डी, जिंक, इनोसिटॉल, क्रोमियम, ये आपकी एग की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं, जिससे कि नियमित ओवुलेशन हो सके, हार्मोन का बैलेंस रीस्टोर करते हैं, आपके वजन को कम करने में आपकी मदद करते हैं। तो ये बहुत सारे लाभ देते हैं, जैसे कि पीरियड साइकिल रेगुलर हो जाती है और ओवुलेशन नियमित होता है और आपकी ओवरीज नॉर्मल हो जाती है धीरे धीरे करके, लेकिन समय लगता है। मेडिकली कहा जाए तो 6 महीने से 12 महीने तक का समय लगता है, लेकिन अगर आपकी पीसीओडी ज़्यादा पुरानी नहीं है, हाल ही में डिटेक्ट हुआ है, आपको शुरुआती स्टेज है, तो 3 महीने में भी अच्छे रिजल्ट आए हैं। हमारे कई सारे फॉलोवर्स ने 2-3 महीने में भी अच्छे आउटकम पाए हैं और उनको प्रेगनेंसी रही है। तो ऐसे में कौन सी दवाएं हैं, पीसीओडी पे मैंने कई सारे सप्लीमेंट्स के बारे में बताया है, जिन सप्लीमेंट्स की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, अगर आपको परचेस करना है तो उनको वहाँ से आप परचेस कीजिए। सुपर फूड है, कुछ आसान चीज़ें जिसको पानी में ऐड करके सिंपली पीना है, बहुत सिंपल फॉर्मूला आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, तो आप उनको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से परचेस कर सकते हैं। जो भी पीसीओडी का प्रोडक्ट आपको
पॉकेट फ्रेंडली लगता है या फिर आपको टेस्ट में ठीक लगता है, आप उसे ऑप्ट कर सकते हैं। जो भी प्रोडक्ट की लिंक मैंने आपको दी है वो सारे बेहतरीन हैं। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत लाभ मिलेगा और आप भी अपने पीसीओडी को ख़त्म कर पाएंगे। शुभकामनाएं। थैंक्स।